फूड लवर्स, मैं हूँ कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए रेड सॉस मैक्रोनी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही झटपट बन जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी कि आप रेड सॉस घर में किस तरीके से बना सकते हैं। और इसी रेड सॉस की वजह से हमारा जो ये रेड सॉस मैक्रोनी है, इसका टेस्ट जो है बहुत ही लाजवाब आएगा। और मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे पास्ता और मैक्रोनी की रेसिपी अपलोड की है। उस रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो रेसिपी भी पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेड सॉस मैक्रोनी की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अब रेड सॉस मैक्रोनी बनाने के लिए हम चलेंगे किचन की ओर। रेड सॉस मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने ये 180 ग्राम के करीब मैक्रोनी ली हुई है। और ये जो मैं मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ, ये सूजी का बना हुआ है। मार्केट में बहुत ही आसानी से ये मैक्रोनी मिल जाती है, पर मैदे के भी बने हुए मैक्रोनी मिलती है, पर आप सूजी के बने हुए ही मैक्रोनी यूज़ करें। सबसे पहले अब हम मैक्रोनी को कुक करेंगे। तो मैंने 180 ग्राम के करीब मैक्रोनी ली हुई है, तो उसके अंदर मैं ये बाउल से 3 बाउल के करीब वाटर ऐड करूँगी। मैंने 3 बाउल वाटर ऐड किया हुआ है इसके अंदर। अब पानी में अच्छा सा उबाल आने तक का हम वेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं 2 से 3 बूंद के करीब ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल डालने से क्या होगा, हमारा जो मैक्रोनी है वो एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, इससे हमारी मैक्रोनी जल्दी कुक भी हो जाएगी और मैक्रोनी के अंदर नमक का भी टेस्ट अच्छे से आ जाएगा। अब हम ये मैक्रोनी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मैक्रोनी को हमें मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है और इसे हमें इस तरीके से बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगा। और मैक्रोनी को हमें 80% तक कुक करना है, इसे हमें पूरा कुक नहीं करना है। अब हम अपना मैक्रोनी भी चेक कर लेते हैं, हमारा मैक्रोनी कुक हो चुका है कि नहीं। इस तरीके से मैं स्पून से चेक करूंगी, इसे हमें पूरा कुक नहीं करना है, इसे इसी तरीके से थोड़ा सा हार्ड रखना है। मैं ये दूसरा मैक्रोनी भी आपको कट करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से ही थोड़ा सा ये हार्ड रहेगा, तभी हमारी मैक्रोनी जो है खिली खिली बनेगी और जब इसे हम सॉस में मिक्स करेंगे तो ये टूटेगा भी नहीं। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मैक्रोनी को पानी में से छान लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको मैक्रोनी तो बता दिया कि मैक्रोनी को किस तरीके से और कितना कुक करना है। अब हम सॉस की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम पैन में 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैंने ये 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली थी, उसे बारीक चॉप कर लिया है। 1 हरी मिर्च को इस तरीके से कट कर लिया है। मैंने ये 1 अदरक का छोटा सा टुकड़ा लिया था, उसे बारीक चॉप कर लिया है। और 1 मीडियम साइज का ऑनियन लिया था, उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। सबसे पहले इसके अंदर हम लहसुन, हरी मिर्च और अदरक ऐड करेंगे। तेल में इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये तेल में अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसके बाद तुरंत ही हम इसके अंदर ऑनियन ऐड करेंगे और इन सबको हमें कुछ सेकंड के लिए पका लेना है कि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए, बस इतना। इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है और गैस का फ्लेम मीडियम करके ही हमें सारे प्रोसेस करने हैं। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे पास्ता और मैक्रोनी की रेसिपी अपलोड की है, अलग अलग तरीके से मैंने उसे बनाया हुआ है। आप उस रेसिपी को भी ट्राई कीजिए। आप चाहे तो इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर कटे हुए अदरक और लहसुन डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब ये हमारा हो चुका है, इससे ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे सॉस का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। मैंने ये 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया था, उसे मैंने मिक्सी में पीस लिया हुआ है। इसे
इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे अपने स्वाद के अनुसार। मैक्रोनी को कुक करते समय भी हमने नमक ऐड किया था और इसके अंदर हम बाकी और सॉस ऐड करेंगे, इसलिए नमक थोड़ा सा हम कम ही ऐड करेंगे। इसमें हाफ टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर और हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे कवर करके मैं 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी कि ये सॉस अच्छे से पक जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके, ढक्कन को हम हटा लेंगे और आप देख सकते हैं कि साइड में तेल निकल आया हुआ है, मतलब हमारा ये जो मसाला है ये अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर मैं ये 1 टेबल स्पून के करीब बॉयल स्वीट कॉर्न ऐड करूंगी और हाफ ग्रीन कैप्सिकम। आप अपने पसंद के अनुसार इसके अंदर वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो वेजिटेबल थे मैंने वही यूज़ किया हुआ है। आप इसमें गाजर और बीन्स ये सब यूज़ कर सकते हैं। अब सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैक्रोनी हो या पास्ता हो उसके अंदर आप स्वीट कॉर्न और ये ग्रीन कैप्सिकम ऐड करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन वेजिटेबलों का उसमें। अब इसके अंदर बाकी के और इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे। मैंने ये थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया हुआ है इसमें। 2 चम्मच के करीब हम टमाटो केचप ऐड करेंगे। इससे हमारे सॉस में थोड़ा सा मीठापन आएगा और मैक्रोनी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। और 1 टेबल स्पून के करीब सेजवान सॉस, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसीलिए इसके अंदर हमने नमक थोड़ा सा कम ही ऐड किया था क्योंकि इसके अंदर हम सॉस ऐड करने वाले थे। अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब पास्ता सीजनिंग ऐड करूंगी। अगर आपके पास पास्ता सीजनिंग नहीं है तो आप पिज्जा सीजनिंग भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमारा ये जो रेड सॉस है रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं दिखने में कितना यम्मी लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है ये। अब इसमें हम बॉईल किया हुआ मैक्रोनी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने मैक्रोनी को पहले ही कुक कर दिया था और उसे साइड में रखा था, तो भी हमारी मैक्रोनी जो है एकदम अलग अलग है, एक दूसरे से चिपकी नहीं है। अब इसे हम सॉस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैक्रोनी सॉस के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं कि सॉस की जो कोटिंग है पूरे मैक्रोनी के ऊपर अच्छे से हो चुकी है। अब गैस का फ्लेम स्लो करके हम इसे 1 मिनट तक इसी तरीके से रख देंगे कवर करके कि सॉस के साथ मैक्रोनी थोड़ा सा कुक हो जाए। 1 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हम हटा लेंगे और सबसे लास्ट में इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। आप चाहे तो स्प्रिंग ऑनियन भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं और हरा धनिया को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब धनिया भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा टेस्टी रेड सॉस मैक्रोनी जो है रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही झटपट बन जाती है। और अगर आपको ये रेड सॉस मैक्रोनी की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।